नमस्कार उज्जैन, मैं हूं आकांक्षा पीवाल और आप देख रहे हैं भाई न्यूज का 26 सितंबर मंगलवार का बुलेटिन। खबरों की ओर रुक करें, उसके पहले देखते हैं कुछ खास सुर्खियां। यूपी की 12 साल की किशोरी से उज्जैन में रेप, बाबा महाकाल के दरबार में पहुंचे कैलाश विजयवर्गीय। कांग्रेस के जन आक्रोश में भाजपा के खिलाफ आक्रोश, होमगार्ड सैनिक पर झूठे केस में फंसाने की धमकी देने का आरोप, नई बताकर पुराने ई रिक्शा बेचने का आरोप। ईद मिलादुन नबी पर निकला बोहरा समाज का चल समारोह, महाकाल में उतरे NSG कमांडो। खबरों का सिलसिला शुरू करेंगे, बने रहिए मेरे साथ। यूपी की रहने वाली 12 साल की नाबालिग किशोरी के साथ उज्जैन में दुष्कर्म का सनसनीखेज मामला सामने है। नाबालिग महाकाल थाना क्षेत्र के मुरलीपुरा में बेहोशी की हालत में मिली है। उसे खून में लथपथ देख लोगों ने इसकी सूचना डायल 100 को दी थी, जिसके बाद पुलिस बालिका को लेकर अस्पताल पहुंची, जहां मेडिकल में रेप की पुष्टि हुई है। फिलहाल उसकी हालत नाजुक होने के चलते बेहतर इलाज के लिए उसे इंदौर रेफर किया गया है, जहां पुलिस कर्मियों ने भी उसे खून दिया। मामले में जांच के लिए SP ने SIT का गठन किया है। दरअसल इस घटना के एक्सक्लूसिव फुटेज अभय न्यूज को मिले हैं। 1:07 के CCTV फुटेज में नाबालिग अर्ध नग्न हालत में सोमवार सुबह करीब 6 बजे शांति पैलेस के पीछे नागदा बड़नगर मार्ग स्थित तिरुपति ड्रीम्स कॉलोनी में जाती हुई दिखाई दे रही है। बहरहाल नाबालिग उज्जैन कैसे पहुंची, उसके माता पिता कहाँ हैं, क्या वह घर वालों से बिछड़ गई है, इस बारे में कुछ भी पता नहीं चल सका है। इस संबंध में जानकारी जुटाने के लिए SP सचिन शर्मा ने स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन किया है। मामले में महाकाल पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म एवं पॉक्सो एक्ट में प्रकरण दर्ज किया है। इधर SP सचिन शर्मा का कहना है कि भाषा से नाबालिग प्रयागराज की होना प्रतीत हो रहा है, उसके संबंध में सभी जानकारी जुटाई जा रही है। उज्जैन जिले में महाकाल थाना अंतर्गत एक प्रकरण कायम हुआ है अज्ञात लोगों के विरुद्ध, जिसमें दुष्कर्म की बात सामने आई है, जिसकी पुष्टि मेडिकल के द्वारा की गई है। इसमें बच्ची की हालत नाजुक होने से उसको इंदौर रेफर किया गया था और जो भी बेस्ट ट्रीटमेंट है उसको वहाँ पे अवेलेबल कराया गया था। ब्लड की कमी के कारण जब ब्लड की रिक्वायरमेंट थी तो पुलिस वालों ने ही ब्लड भी वहाँ पे दिया है। इसमें एक बड़ी टीम SIT गठित की गई है और लगातार सभी जगह पे इसको हम लोग ट्रैक कर रहे हैं, और जनता से भी यही अपील है, किसी को भी इसके बारे में कोई भी जानकारी हो तो पुलिस को तुरंत बताएं। फरियादिया के द्वारा क्योंकि बताया नहीं गया है, और अभी तक घटना की जब जानकारी मिली है और उससे पहले तक जो हुआ है उसको हम लोग बैक ट्रैक कर पा रहे हैं, तो घटना कहाँ हुई है, घटना स्थल क्या है, उसकी जांच अभी विवेचना का विषय है, जिसका जल्दी खुलासा किया जाए। भाजपा की जन आशीर्वाद यात्रा के विरोध में कांग्रेस द्वारा शुरू की गई जन आक्रोश यात्रा मंगलवार को उज्जैन पहुंची। यहां टॉवर पर जन सभा का आयोजन किया गया। इसमें राव विधायक और यात्रा प्रभारी जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष रवि राय, वरिष्ठ कांग्रेस नेता राजेंद्र वशिष्ठ, भरत पोरवाल सहित अन्य नेता शामिल हुए। उन्होंने मंच से ही भाजपा के 18 साल के शासन काल के विरोध में प्रदेश सरकार और भाजपा नेताओं पर निशाना साधा। दरअसल जनसभा को संबोधित करते हुए राव विधायक जीतू पटवारी ने कहा कि शिवराज सरकार घपलों और घोटालों में मास्टर है। उन्होंने भगवान महाकाल को भी नहीं छोड़ा। BJP के प्रति लोगों में कितना आक्रोश है, यह हमारी यात्रा से मुझे पता चला। शिवराज जी के सरकार घोटालों और घपलों में मास्टर है, पर भगवान को भी, महाकाल को भी, महाकाल के परिसर को भी घपले और घोटाले में शिवराज जी नहीं छोड़ते हैं। यह एहसास पूरी दुनिया को हो गया, पूरे देश को हो गया, पर इतना भयंकर आक्रोश है BJP के खिलाफ ही अभी इस यात्रा के बाद पूरे प्रदेश में पता चल रहा है। इसके अलावा तराना विधायक महेश परमार ने सिंहास की भूमि को लेकर मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव पर निशाना साधा। हमारे अपने का काम कर रहे हैं, सिंहास की भूमि का 30-40 साल से जो गरीब परिवार के लोग छोटे छोटे मकान बनाकर रह रहे हैं, आज तक उनको उनका अधिकार नहीं मिला। इससे पहले यात्रा का रास्ते भर मंच बनाकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा जोरदार स्वागत किया गया। पटवारी भी कार के ऊपर बैठकर लोगों का अभिवादन स्वीकार करते नजर आए। यात्रा के 3 बत्ती चौराहा पहुंचने पर पटवारी का जोरदार स्वागत किया गया। इसके बाद सभी नेता पैदल ही टॉवर चौक के लिए निकले। प्रिय दर्शनी चौराहे पर उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण भी किया। लगातार हम ये जन आक्रोश यात्रा पूरे प्रदेश में निकाल रहे हैं। मैं मानता हूँ कि आक्रोश तो था, यह एहसास हमें भी था, पर इतना भयंकर आक्रोश था यह एहसास नहीं था। आज महाकाल लोक, महाकाल की नगरी में जन आक्रोश यात्रा आई है, पट्टी पड़ी है पूरी उज्जैन,
ये भावना बदलाव की है। ये भावना एक एहसास की है कि शिवराज जी से लोग थक चुके हैं। आज भारतीय जनता पार्टी की लिस्ट जारी हुई है, दूसरी लिस्ट, उसमें जिस तरीके के टिकट मिले हैं, बीजेपी ने एहसास करा दिया कि हाँ उसको भी एहसास है कि हमारे पीछे बहुत जन आक्रोश है। शिवराज जी से प्रदेश नहीं संभल रहा है। उनका कानून व्यवस्था का इंडेक्स नरेंद्र मोदी जी ने फेल बताया, सबसे भ्रष्ट राज्य हमारा है। मैं मानता हूँ लहर चल रही है कांग्रेस की, कमलनाथ की, नई सरकार आने वाली है, पुरानी सरकार जाने वाली है, लोकतंत्र का चेहरा बदलेगा, पत्रकारों की सुरक्षा होगी, युवाओं को रोजगार मिलेंगे, किसानों के उचित मूल्य मिलेंगे और सबसे बड़ी बात गरीब का ध्यान रखा जाएगा। भविष्य की चिंता छोड़ो, पंडित गोविंद गुरु से नाता जोड़ो, ना कोई पैसा ना कोई फीस, बस लीजिए गुरु जी का आशीष। आज ही जाने अपनी हर समस्या का समाधान, संपर्क करें 9827030415 या 9302230415। हमारा पता 8 अलगदाम कॉलोनी सावे रोड उज्जैन। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और इंदौर के विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 1 से बीजेपी प्रत्याशी कैलाश विजयवर्गीय मंगलवार दोपहर भगवान महाकाल के दर्शन करने पत्नी और दोनों बेटों के साथ उज्जैन पहुंचे। उन्होंने गर्भगृह में पहुंचकर भगवान का अभिषेक किया और पूजन करा। इधर दर्शन के बाद मंदिर से बाहर आने पर कैलाश विजयवर्गीय ने मीडिया से चर्चा की। उन्होंने कहा कि किसी भी अच्छे काम की शुरुआत के लिए बाबा का आशीर्वाद जरूरी है, इसलिए आया हूं। उन्होंने आगामी विधानसभा चुनाव में 2/3 बहुमत से ज्यादा सीटें जीतने का दावा भी किया है। ऐसी कोई कामना नहीं करता हूं मैं, बस मैं तो कहता हूं कि यश दे, कीर्ति दे और भगवान जनता की सेवा करने की शक्ति प्रदान करे। अब मैदान में तो सभी हैं, 230 लोग मैदान में उतरेंगे और कम से कम 100 नेता मैदान में उतर कर 230 को जिताने के लिए काम करेंगे, तो सभी मैदान में 2/3 बहुमत से ज्यादा सीटें आएगी। इधर केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री नारायण राणे मंगलवार को भगवान महाकाल के दर्शन करने के लिए पहुंचे। श्री महाकालेश्वर मंदिर में उन्होंने गर्भगृह के बाहर से भगवान के दर्शन किए। इसके बाद मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि जिंदगी में जो कुछ मिला है वह भगवान की वजह से, इसलिए नतमस्तक होने आया हूं। आपको बताते चले कि नारायण राणे महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। भगवान का शुक्रिया अदा करने के, भगवान ने मेरे जिंदगी में जो कुछ भगवान के वजह से है, इसलिए मैं उनके सामने नतमस्तक होने के लिए। तराना तहसील के ग्राम जवासिया कुमार में रहने वाली महिला ने कारथा थाना में पदस्थ होमगार्ड सैनिक पर शराब बेचने का दबाव बनाने, झूठे केस में पति को फंसाने की धमकी देकर 10,000 रुपए मांगने का आरोप लगाया है। उन्होंने मंगलवार को उज्जैन पहुंचकर कंट्रोल रूम में आयोजित पुलिस की जन सुनवाई में एसपी के नाम आवेदन भी दिया और होमगार्ड जवान पर प्रकरण दर्ज करने की मांग की है। दरअसल फरियादिया ममता पति राजेश कुमार ने बताया कि 25 सितंबर को रात करीब 9 बजे होमगार्ड सैनिक लखन मालवीय निवासी ग्राम नरसली दो लोगों के साथ सिविल ड्रेस में मेरे घर आया और ठेकेदार हुकुम सिंह के शराब बेचने का दबाव बनाते हुए हर माह 10,000 रुपए की मांग करने लगा। जब मैंने शराब बेचने से मना किया तो उसने मेरे पति को झूठे केस में फंसाने की धमकी दी और साथ ले जाने लगा। मैंने और ससुर ने रोका तो उन्हें धक्का दे दिया और मुझे थप्पड़ मार दिया। ममता ने बताया कि इससे पहले भी लखन मालवीय ने ठेकेदार की शराब बेचने से मना करने पर पति को झूठे केस में फंसाकर 40,000 से 50,000 रुपए ले लिए थे। मंगलवार को फरियादिया ममता ने परिवार के साथ उज्जैन पहुंचकर पुलिस कंट्रोल रूम में आयोजित जन सुनवाई में एएसपी नीतीश भागव को आवेदन सौंप कर लखन मालवीय पर प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई करने की मांग की है। वो कायथा थाना से आया लखन पुलिस वाला और ठेकेदार की वजह से परेशान करे हमारे दारू शराब बेचने के लिए और नहीं बेचोगा जब भी 10,000 देना, नहीं बेचोगा जब भी 10,000 रुपये देना और जबरदस्ती घर में से निकाल निकाली के ले जाओ नहीं तो हमारा मार कूट करे। आपके साथ भी मारपीट करी? हाँ, हाथ पकड़े ऐसी गाली गलौज दी उल्टी सुलटी। वो कहते हैं कि ठेकेदार की शराब बेचो, मगर हम शराब नहीं बेचते हैं सर, पर वो जबरदस्ती करते हैं 10,000 रुपये महीने दो शराब बेचो उसकी, परेशान रोड डेली करते हैं सर। पहले भी आपसे पैसे लिए? हाँ, पहले भी 2-4 चक्कर पैसे ले लिए और 50,000 रुपये अभी 34-2 का झूठा केस बना दिया था मेरा। ओकम सिंह का माल बेचने के लिए परेशान करता है वो लखन पुलिस वाला। आप यहाँ पर आए हो, क्या बोला सामने? सामने की कि हम वो थाने पे बोल देंगे।
ईद मिलादुन नबी के अवसर पर बोहरा समाज द्वारा कमरी मार्ग स्थित मजार नजमी से चल समारोह निकाला गया। इसमें समाज के 4 स्काउट बैंड, घोड़े, बग्गी के अलावा स्कूली बच्चे शामिल हुए, जिन्होंने सांस्कृतिक गतिविधियों का प्रदर्शन किया। बोहरा समाज के पीआरओ शेख अली असगर मयूदी ने बताया कि चल समारोह शहर के सभी 5 मोहल्लों के आमिर साहब की उपस्थिति में कमरी मार्ग, छतरी चौक, सराफा, कंचाल, तीलीवाड़ा चौराहा, निकास चौराहा, खजूर वाली मस्जिद, केडी गेट होता हुआ पुनः कमरी मार्ग पहुंचकर समाप्त हुआ। इस दौरान बड़ी संख्या में बोहरा समाजन मौजूद रहे। आगर रोड से छोटी उद्योगपुरी में एक ई रिक्शा एजेंसी से नई बताकर पुराने ई रिक्शा बेचने का मामला सामने है, जिसमें 3 लोगों ने चिमनगंज मंडी थाने में शिकायती आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की है। फरियादी संतोष सोनगरा निवासी ग्राम चक्कमेड़, जितेंद्र पाल निवासी मोहन नगर और रफीक मोहम्मद निवासी चिमनगंज मंडी है। आगर रोड पर छोटी उद्योगपुर स्थित जाल पैसेंजर शोरूम से संतोष और जितेंद्र ने कैश में और रफीक ने किश्तों में ई रिक्शा खरीदी थी। तीनों का कहना था कि कुछ दिनों बाद ही ई रिक्शा में खराबी आने लगी और चेचिस भी पुराना होकर वेल्डिंग किया हुआ था। इस संबंध में जब जाल पैसेंजर शोरूम के संचालक अर्जुन जैन से शिकायत की तो उन्होंने शोरूम बुलाया और बदल कर देने की बात कही। जब फरियादी वहां पहुंची तो जैन ने अभद्र व्यवहार किया और दूसरी ई रिक्शा देने से भी इनकार कर दिया। तीनों ने 24 सितंबर को चिमनगंज थाने में आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की है। इधर शहर से बाहर होने का हवाला देते हुए टेलीफोनिक चर्चा में शोरूम संचालक अर्जुन जैन ने बताया कि रफीक मोहम्मद के 8,000 रुपए बाकी हैं, वह दे नहीं रहा, इसलिए ई रिक्शा रख ली है। मुझ पर अनगर्ल आरोप लगाया जा रहे हैं, जो भी समस्या है वह हल कर दी जाएगी। अर्जुन ने खुद के पास कंपनी का लाइसेंस होना भी बताया। अन्य 2 शिकायतों के संबंध में अर्जुन जैन ने कहा कि दोनों रफीक के दोस्त हैं, इसलिए शिकायत कर रहे हैं। नई गाड़ी बोल के उन्होंने हमको पुरानी गाड़ी दी। अच्छा, और पूरा पैसा कितने बार शिकायत कर दी, हर गाड़ी मतलब हर 15 दिन बाद वो गाड़ी गई उनके यहाँ पहुँचती है, फिर वही नाटक होते हैं, 15 दिन तक वो गाड़ी को रखते हैं। हाँ, एक और है हमारे, एक और परिचित है मेरा, उनने भी गाड़ी ली थी, उनके संग भी यही परेशानी आ रही है, बार बार कलर निकल रहा है, गाड़ी बंद हो रही है। चिमनगंज थाने में हमने शिकायत कर रखी है और अभी तक उसने मेरा आरसी कार्ड भी नहीं दिया, मेरा पूरा पैसा लेने के बाद भी। 7 तारीख के टाइम पे मेरी गाड़ी खड़ी करी, उस टाइम पे मैंने उसको बताया और नीचे का उसको वीडियो बना के बताया, नीचे की जो चेचिस है वो पूरा वेल्डिंग पड़ा हुआ है, जगह जगह से वेल्डिंग है। उसके बाद में उसने नट बोल्ट जो है वो कंपनी कोई नट बोल्ट नहीं है, और मेरी गाड़ी किस्त की है जो कि मैं 6,655 की किस्त भरता हूँ। आज मेरी गाड़ी 20 से 25 दिन खड़े हो गए और मैं ना किस्त भर पाऊँगा उसकी। जो किस्त अगर आएगी तो उसको वो किस्त वही भरेगा जब तक मेरी गाड़ी का निकाल नहीं होगा। छोटी उद्योगपुरी में जाल पैसेंजर के नाम से कारखाना स्थित है, जिसका नाम अर्जुन जैन है, जो कि अपन जब जाते हैं जब वो बोलता है कि गाड़ी यही लेना पड़ेगी, दूसरी गाड़ी नहीं दूंगा, तुम्हारे से जो बने वो कर लो। और अब खबरें दे दनादन। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना के अंतर्गत मंगलवार को उद्यानिकी कृषि फसल आधारित जिला स्तरीय क्रेता विक्रेता कार्यशाला का आयोजन कृषि विज्ञान केंद्र में किया गया। इसमें उद्यानिकी कृषि फसलों के मूल्य संवर्धन के विषय में जानकारी दी गई। तीन बत्ती चौराहे स्थित ICICI बैंक के समीप निर्माणाधीन हॉस्पिटल के सामने मंगलवार शाम स्कूल से लौट रही छात्रा को डंपर ने टक्कर मार दी। गनीमत रही छात्रा को चोट नहीं आई, लेकिन उसकी साइकिल क्षतिग्रस्त हो गई है। उज्जैन उत्तर विधानसभा के संयोजक और कायस्थ समाज के मंगेश श्रीवास्तव ने इस बार युवाओं को मौका देने की मांग भाजपा से की है। उन्होंने भाजपा के शीर्ष नेतृत्व से मांग की है कि टिकट देकर वह कायस्थ समाज की मांग पूरी करें। तो ये था भाई न्यूज का आज का बुलेटिन। अगर खबरों को लेकर आपके पास कोई फीडबैक हो या कोई अन्य जानकारी हो तो हम तक कमेंट सेक्शन या इनबॉक्स के जरिए जरूर पहुंचाएं। फिर मुलाकात होगी नए बुलेटिन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। We'll be right back.